first payback bill. अच्छा देखिए, एक मेजर हमने शुरू में पढ़ा था, क्या था? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या होता है? फॉर एग्जांपल क्या था, $5,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, सही? ईयर वन है, ईयर टू है, ईयर थ्री, सही? पहली दफा आपका ईयर जीरो में -5,000 का कैश फ्लो आउट होगा, कैश आउट फ्लो। पहले साल आपको मिले 2,000, फिर आपको मिला 1,000, फिर आपको मिले 1,500, और फिर आपको ईयर फोर के अंदर जाके मिले फॉर एग्जाम्पल 5,000, सही? तो पे बैक पीरियड ये कहता है कि पे बैक कितने ईयर्स में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बराबर हो जाएगी। पहले साल आपने माइनस किया 2,000-3,000 बचो, सही ना? 3,000 बच गए ना, फिर 3,000 में से फिर आपने 1,000 इसको माइनस किया, फिर आपके पास 2,000 बची, 2,000 में से 1,500 किया, 500 बची, सही? अब चौथे साल आपको 5,000 मिले, 500 / 5,000, सही? और एक साल है, इसको अब आप डेज में भी कर सकते हो, मंथ में कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाइड कर कर तो 1/10 हो गए, यानी 1.2, सही? ये 1.2 मंथ के बाद क्या क्या? मैं कह रहा हूँ 0.2 को मंथ्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ ना मैं, किसमें कर रहा हूँ? हाँ सॉरी, हाँ 30 से करना है ना, 30 से करता हूँ मैं, बात समझ आ रही? 2/10 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, 2/3 भाई देखे, 1 month तो पूरा आ गया, 0.2 कितने डेज बनते हैं ये निकालो, सही ना? 0.2 मंथ्स कितने डेज बनते हैं? तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा डेज, तो कितना हो जाएगा? 2/10 × 30, इसका मतलब 6 days, तो कितना हो गया? 1 month और 6 days, 6 days, ये क्या हो गया? पे बैक पीरियड हो गया, सही? लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पे बैक पीरियड का, वो क्या है कि इट डजंट टेक इनटू अकाउंट डिस्काउंट, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडरेशन में नहीं लेके आता, सही है ना? सही। अब आप ये देखें, इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे, since the cash flows are not discounted at the project's required date of return, the payback period ignores the time value money and the risk of the project. Time value को ignore कर देते हैं, MCQ उसके लिए important है, discount नहीं करता, discounted नहीं होता, सही? Additionally, the payback period ignores cash flows after the payback period is reached. अब मैंने यहाँ पे पीछे सवाल भी अगर आप देखें तो मैंने year 5 पे मैं गया ही नहीं, year 6 पे मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कितना आ गया था, हाँ 3 years 1 month 6 days में मेरा पे बैक कम्प्लीट हो गया, तो मैं आगे गया ही नहीं, हालांकि उसमें कैश फ्लोज आते रहे, तो डजेंट कंसिडर कैश फ्लोज आफ्टर वर्ड, आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाती है उसके बाद देखता ही नहीं है, सही? अब दूसरी इन्होंने चीज़ किया कि इसी को पे बैक के अंदर जो सबसे बड़ा था कि डिस्काउंट नहीं होता, सही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं करता, सही, तो इसी को निकालने के लिए उन्होंने दूसरी चीज़ निकाली, वो क्या है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।